यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे किस प्रकार से एक युवक नकली लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर इतने समय से ठगी करता रहा। बिल्कुल, जिस तरह ये महेंद्रगढ़ के सोबापुर गांव का ये निवासी है अमित कुमार, और ये लगातार बीआरओ जो भर्ती कार्यालय चरखी दादरी है इसके संपर्क में रहता था। और जैसे ही यहाँ पे इनको शक हुआ तो इनको हेडक्वार्टर का नाम लेकर कि हेडक्वार्टर से ही कुछ दस्तावेज आए हैं और जो आर्मी की इंटेलिजेंस ब्यूरो थी और स्थानीय पुलिस से मिलकर इसको जैसे ही यहाँ पे बीआरओ कार्यालय भर्ती कार्यालय पहुंचा तो यहाँ पे उसको दबोच लिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो ये आरोपी युवक है इससे लैपटॉप, मोबाइल और नकली दस्तावेज भी यहाँ बरामद किए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, जानना चाहेंगे पुलिस को ये सफलता कैसे हासिल हुई। जिस तरह जो आर्मी भर्ती कार्यालय के जो निदेशक हैं कर्नल AKS पिल्लई, इनको पहले ही शक हो गया था जिस बात को लेकर ये लगातार यहाँ पे आता रहता था, जिसको लेकर इनको जो शक हुआ उसी आधार पर इन्होंने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस को मिलकर यहाँ पे पूरी कार्रवाई की गई। और जैसे ये युवक यहाँ बीआरओ भर्ती कार्यालय में पहुंचा तो पुलिस ने इसे मौके पर ही दबोच लिया। जी, और अभी तक नकली लेफ्टिनेंट कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। जो पुलिस के जो पूछताछ में इन्होंने जो बताया है उसमें प्राथमिक जो पूछताछ की गई उसमें 2 से 3 जो वारदात की गई है उसमें ये शामिल होना बताया कि जो सेना में भर्ती होने के लिए जो पैसे लेता था राजस्थान से भी थे और कुछ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी थे, इस तरह के ये मामले सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पूरा पता लग पाएगा। जी, और वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित है, इन वारदातों के पीड़ित है, क्या आपकी उनसे बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर। फिलहाल पीड़ित पक्ष इस संबंध में सामने नहीं आया है क्योंकि कल देर रात को ये मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस द्वारा देर रात की कार्रवाई की गई थी। जी, और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कह रहा है। पुलिस का ये कहना है कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, हो सकता है कुछ और कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। क्या इस शख्स के खिलाफ पहले भी कहीं पर कोई मामला दर्ज है। पुलिस द्वारा जो बताया गया है कि इस संबंध में किसी भी पुलिस थाने में पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, ये पहला जो है जो पुलिस दादरी पुलिस की जो बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, फर्जी लेफ्टिनेंट जो कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, भर्ती कार्यालय पहुंचता था और वहां पर नौकरी के नाम से युवाओं से पैसे ऐंठता था और अधिकारियों ने अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि नकली वर्दी पहनकर, नकली मेडल लगाकर वो युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करता रहा।